आप देख रहे वज्रपात न्यूज। बेतिया सीओ को निकला दिवाली में दिवाला। बेतिया से मोहन सिंह की रिपोर्ट। धनतेरस मनाने के चक्कर में निगरानी के हाथे चढ़े बेतिया सीओ श्यामाकांत प्रसाद। सीओ को रास नहीं आई दिवाली। मंगलवार की सुबह नगर के कमलनाथ नगर स्थित बेतिया सीओ श्यामाकांत प्रसाद के निवास पर एक जमीन संबंधी मामले को लेकर लोरिया निवासी विनोद कुमार गुप्ता से 2.5 लाख रुपया रिश्वत लेते समय पटना से आई निगरानी टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा। निगरानी टीम ने तरवीत कार्रवाई करते हुए सीओ श्यामाकांत प्रसाद को गिरफ्तार कर अपने साथ पटना ले गई। वही निगरानी टीम ने उनके निवास को भी बारीकी से खंगाला, जिसमें जेवरात, जमीन के कागजात, बैंक के पासबुक एवं नगद रुपये पाए गए। करोड़ों की संपत्ति उनके हाथ लगे। उनका निवास एक 2 मंजिला विशाल भवन में है, जो उनका निजी बताया गया। बताते चले कि आगामी 21 नवंबर को सीओ के द्वितीय पुत्र ऋषि की शादी थी। निगरानी टीम के नेतृत्व DSP अरुण पासवान कर रहे थे। आरोप लेके विनोद कुमार गुप्ता को प्रसार करे हैं कि आपका जमीन नहीं है, आप जमीन यहाँ से हट जाइए, जबकि उसका जगह क्या हुआ है। 22/10 को सीओ जो है कमीन भेज दिया उस जमीन के पैमाइश करने की। उसको जानकारी हुआ कि गया बल्कि मेरा जमीन है तो आप पैमाइश क्यों कर रहे हैं।